ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस मुझे पता है कि यार मैं जो है काफ़ी टाइम बाद वीडियो ला रहा हूं यार आप सभी के लिए, एंड फेस रिवील तो यार मैंने काफ़ी टाइम बाद ही किया है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि गाइस मैं भी वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके पीछे गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि गाइस मेरी अब वो सॉल्व हो चुकी है। एंड गाइस आप लोगों को जो आपसे रेगुलर कंटेंट मिलेंगे तो आप लोग गाइस पहले की तरह सपोर्ट बनाए रखना, आप लोगों को सभी कंटेंट एक साथ मिलते रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप लोग मेरे को जैसे आप पहले की तरह आप मेरे को कमेंट में मेंशन करते थे वैसे आप मेंशन कर देना, आपको जो है मतलब कि पोस्ट का उस पोस्ट का जो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो आप लोग बस वैसे ही आप मतलब आपको करना है सेम चीज़, आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो आप लोग क्या करना है गाइस, आप लोगों को अब एक चीज़ और करनी है गाइस जो कि गाइस आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना है, क्योंकि गाइस क्या है कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो गाइस मुझे पता रहेगा कि गाइस मतलब कि मेरे को किसके मैसेजेस सीन करना है और किसके नहीं। तो आप लोग मेरे को एक बार वहाँ पे फॉलो जरूर कर लेना, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम को, तो आप लोग मेरे को वहाँ फॉलो जरूर करें या फिर आपको यूजर नेम स्क्रीन पे दिख जाएगा तो आप लोग वहाँ पे जाकर सर्च करके मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा एडिटिंग से रिलेटेड तो मैं उसके ऊपर गाइस आप लोगों की हेल्प करूंगा, तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी गाइस इस बैकग्राउंड इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड करना, पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना फिर आप जाकर डाउनलोड करना। एंड बाकी गाइस जो भी मतलब स्टेप है ना इसमें गाइस आप लोगों को ध्यान से देखना ताकि आप रियलिस्टिक तरीके से एडिट कर पाओ, क्योंकि गाइस इसमें कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं देखते एंड एडिटिंग करने जाते हो तो आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट हार्ड लगता है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी स्टेप में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। फिर आप लोगों को जाना ऐड फोटो माइंड का, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। एंड मॉडल को आप लोग गाइस ध्यान से देख लेना, आप लोगों को किसी टाइप का पोस्ट करना है, ठीक है। एंड हाथ में कुछ पकड़ना है नहीं पकड़ना उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गाइस भाई ने पकड़ रखा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग को देख लेना आप अपने हिसाब से। बाकी आपको इरेजर टूल में जाना है, फिर उसके बाद आपको हार्डनेस को फुल करके आपको जो है इसको पहले इरेज कर देना है, ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद गाइस आपको क्या करना है आगे, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। फिर गाइस जितना जाने के बाद आप लोगों को फिगर करना है यहाँ पे गाइस, देखिए नीचे से भी आपको थोड़ा सा इरेज करना है इसको जो ये है, तो इसको हम यहाँ से हार्डनेस फुल करके इरेज करेंगे, इतना परफेक्ट है। अब इसको डन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो हमें हैंड पे जो है अब हमें एक वो भी देना है, ठीक है, फायर का जो लकड़ी का पीएनजी है फायर का हमें वो भी देना है, तो यहाँ पे ऐड फोटो पे जाकर इसको ऐड करेंगे इस तरीके से, इसको यहाँ पे रखेंगे। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, आप पहले ओपेसिटी कम कर लेंगे इसकी हम, ठीक है, ताकि अच्छे से इरेज कर पाएँ। तो इरेजर टूल में जाएंगे, इस फुल करेंगे, साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ से जो हम इसको फटाफट इरेज करेंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल। इतना हो जाने के बाद गाइज आप लोगों को फिर करना, आपको कर देना डन। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर जाना है एक बार ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से ऐड करना आप सभी को बैक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एक, इसको ऐड कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है गाइज पहले आप बॉडी की तरफ कुछ स्टेप से रखना है, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश के जो साइज इंक्रीज करके ओपोसिटी हार्डनेस कम कर देना है एंड फोटो को जूम करना है, जो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है पानी में गाइज आपको यहाँ पर इस तरीके से पेंट करना है, इसको इससे मैच कर देना है, ओके गाइस। तो यहाँ पर मस्त लग रही है फोटो यहाँ पे अभी नहीं, ठीक है, तो अभी हम इसकी ओपोसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे एंड उसके बाद कर देंगे इसको हम डन, ओके गाइस। सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, क्योंकि अब इसमें हमें जो भी काम है हमारा वो है लाइट रूम का, तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। ओके गाइस लाइट रूम ऐप में फोटो ले जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहले जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, आपको उसका पहले कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज कर देना है, शेडो जो है इसको भी इंक्रीज कर देना है एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी इंक्रीज़ कर देना है, वाइट को थोड़ा सा कम कर देना है। फिर चले जाना कलर्स में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है, एंड टेम्परेचर थोड़ा कम, मिक्स में जाना है एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, रेड कलर लेना है, इसका सैचुरेशन आप चाहो तो माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, तो इसका जो है ह्यू बढ़ा देंगे सैचुरेशन प्लस, एंड जो येलो कलर है हम इसका जो ह्यू है इसको प्लस की तरफ रखेंगे एंड सैचुरेशन थोड़ा सा प्लस। फिर इसके बाद लेंगे हम यहाँ पर डार्क ब्लू, इसका जो ह्यू है हम इसको थोड़ा सा प्लस की तरफ रखेंगे एंड सैचुरेशन को भी, एंड उसके बाद कर देंगे डन। फिर जाएंगे हम ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देंगे, फोटो में हम विगनेट डाल देंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम यहाँ पर मिलेगा एक ग्रेन अमाउंट बट हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, नीचे वाले टूल में जाएंगे, शार्पनेस बढ़ा देंगे, नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देंगे एंड कलर नोटेशन हम इसको भी बढ़ा देंगे,
तो फाइनली गाइज हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइज आप देख सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।